1947 में भारत का बंटवारा हुआ, हमारे बुजुर्गों ने से एक भूल हो गई। अगर धर्म के आधार पर ही देश का बंटना और बांटना हुआ तो पूरे हो गया होता, तो आज नया जिन्ना ओबेसी नहीं पैदा लेता। लड़कियां 18 साल सरकार ने इजाजत दी, उसके बाद शादी कर लेते हैं। वो लोग 40 साल से पहले 1, 2, 3 इल्लीगल बीवियां रखते हैं, वहां बच्चे होने नहीं देते, उनका खर्चा वो बजाते हैं, मजा उड़ाते हैं। उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली। उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है? तो कैसे उम्मीद रखते हैं कि वहां से इतने बच्चे बढ़ेंगे? तो जो लोग टाइम पे फर्टाइल जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे तो वहां से तो धान ही धान उगेगा, खेती अच्छी होगी, लहलुहान होगी, तरक्की तरक्की होगी। तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को कि अपने बच्चों को, जवानों को 20-22 साल में शादियां कराओ, लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियां कराओ, फिर देखो आपके यहाँ भी कितने बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन दो नंबर ही धंधा मत करो। आज वह माँ भी शर्मसार हुई जिसकी कोख से आपने जन्म लिया है। नारी की और स्त्री की वंदना करने वाला ये देश है। मेहरबानी करके नारी को भोग्या और संतान उत्पन्न करने वाली फैक्ट्री तो मत बनाओ आप, ऐसी मानसिकता को समाप्त करो। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000002414 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।